मेडिकल कॉलेज में ग्लूकोमा मैराथन का वो आयोजन में शहीदों को विधि श्रद्धांजलि की संगीत की भी हुई प्रस्तुति। अजमेर ऑप्थोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा ग्लूकोमा मैराथन का आज मेडिकल कॉलेज में आयोजन हुआ। इसमें शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और सभी मेडिकल कॉलेज अधिकारी व कर्मचारी ने शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए व्यायाम किया, साथ ही गीत संगीत की प्रस्तुतियां भी हुई। सर्वप्रथम तो डॉक्टर नैनीवाल साहब को आज से विभागाध्यक्ष का पद संभालने की हार्दिक बधाई। आज विश्व ग्लूकोमा दिवस के समापन दिन पर हम सब अजमेर नेत्र चिकित्सक संघ के सदस्यगण यहाँ इकट्ठे हुए हैं जेएनएम मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में। अभी आपने देखा हमने पुलवामा शहीदों को भजन गाकर श्रद्धांजलि अर्पित करी। उसके बाद अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बूथरा के नेतृत्व में सभी उपस्थित चिकित्सकों ने व्यायाम किया और अब हम सभी चिकित्सक बाहर चौराहे तक एक रैली के रूप में जाएंगे ताकि लोगों को ये संदेश दे सकें कि काला पानी जैसी खतरनाक जो नेत्र रोग है उससे सावचेत रहें, उससे बचें, और बचाव ही एक तरीका है। अन्यथा अगर आपने काले पानी का समय पर उपचार नहीं लिया, इलाज नहीं लिया, तो अंधत्व का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मैं 40 वर्ष से ऊपर के भाइयों बहनों से विशेष अनुरोध करूंगा कि साल में एक बार अपने आँखों की जाँच अवश्य कराएं और काले पानी जैसी बीमारी के बारे में सावचेत रहें। डॉक्टर नेपालिया बोलो, काले पानी के बारे में बताओ, हम काले पानी के मरीज हैं। हाँ, मैं जब मैं 6 साल की थी तब मुझे पता चला कि मुझे काला पानी ग्लूकोमा है। फिर मेरे को डॉक्टर के पास लाए तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। अभी तक मैं आज 30 साल की हो गई, अभी मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं आराम से सब काम कर लेती हूँ और बस एक ड्रॉप चल रही है और नज़र का चश्मा है दूर का और बाकी सारा काम करती हूँ मैं, सिलाई विलाई। और मैं हम तो यही कोशिश की दुआ करते हैं कि डॉक्टर इससे भी अच्छा हो, इलाज हो है कि जो लोगों की ड्रॉप है वो भी बंद हो जाए। हम तो बस यही दुआ। आपका नाम? बरखा, भजनगंज, अजमेर।